स्वाति मालीवाल का पूरा मुद्दा इन्होंने यहाँ पर उठाया बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और एक फ्रेज का जिक्र यहाँ पर किया जिस तरीके से कहा जाता है कि घाव पर नमक छिड़कना, जो वैभव कुमार जो है वो संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में देखे गए थे, फोटो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घाव पर नमक छिड़कने के बराबर की, और एक्शन की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, बहरहाल वो एक्शन कहीं दिख नहीं रहा है, और साफ तौर पर उन्होंने मीडिया से भी कहा कि ये सवाल हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस वक्त पूछना चाहिए। तो पूरा मामला जो है आपको बता दें, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व जो अध्यक्षा है आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट के आरोप के मामले में ये पूरा जो है कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे हैं, और आखिरकार आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल भी कल शाम को उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके साथ जो कुछ हुआ अपनी आप बीती का उन्होंने जिक्र किया। इसी के साथ अब आपको बता दें कि वो एक वीडियो भी दिखाएंगे जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहला वीडियो स्वाति मालीवाल का सामने आया था। इस पूरे वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो देर रात जब घर पर लौटी थी, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल को चलने में दिक्कत हो रही है। पीसीआर से मैं चाहूंगी कि वो वीडियो प्ले करें ताकि जो व्यूअर्स हैं हमारे वो वीडियो देख सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये पहला वीडियो था स्वाति मालीवाल का जो सामने आया था आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, वो वीडियो आपको बता दें। अब इस मामले पर महिला आयोग की जो अध्यक्षा है रेखा शर्मा, उनका क्या कुछ कह रहे हैं, हमारी सहयोगी से उन्होंने बातचीत की, वो भी आप सुनिए। In conversation with the NCW chairperson, Ms. Rekha Sharma, sir, ma'am, thank you for speaking to us. So you did take suo motu cognizance the first day this event took place. Now you did send a summon, but Arvind Kejriwal's PA has skipped the summon. What will be the further course of action coming in? See, second step we have already taken. I've sent a team to serve the notice along with the police. Hopefully he will receive or somebody in the family will receive personally that notice. And if they will not, we'll be conducting an inquiry, and I'll send an inquiry team over there in his residence and as well as in CM's residence. Ma'am, despite the fact that these allegations have come to the fore, Arvind Kejriwal has not uttered a word. In fact, he was present in the house. And also the fact that the PA has still been present with Arvind Kejriwal after the incident. What does that reflect? It shows that he is so insensitive towards women and issues of women, which otherwise he talks big about how sensitive he is. But the fact is that he is totally insensitive, and he doesn't think about anybody's insult or anybody's needs or anybody's how she was beaten up. And she was part of his party to start with. When that party started, that time she was the part of this. So if he cannot care about his own party member, whom will he care? I don't think he only gives freebies and believes in the freebies and talk about free ticket to women, whereas he doesn't even care about the safety and security of his own party members. So the NCW has raised an important point as to how Arvind Kejriwal does not care about the women in his own house, but then he beats drums about security, about other women in the national capital. और पूरे देश में आपको बता दें स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वाति मालीवाल जो चुप रही वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें विमेन एक्टिविस्ट बृंदा अडिगे जो इस वक्त जुड़ गई हैं। बृंदा जी सबसे पहले शुक्रिया आपका मेरा नाउ पर हमसे बातचीत करने के लिए। बृंदा जी थोड़ी अगर देखा जाए तो आमतौर पर जब भी हमारी आपकी मुलाकात हुई है इसी विषय पर हुई है, लेकिन इस बार का जो विषय है स्वाति मालीवाल, निश्चित तौर पर थोड़ा अचरज आश्चर्य शॉकिंग भी है क्योंकि वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी हैं, उनके साथ इस तरीके का इंसिडेंस, वो भी कहां प्रीमाइसेस देखिए सीएम के घर के भीतर उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ है, ऐसे में सवाल तो लाजमी है। बृंदा जी आप सच कहते हैं, ये जो महिला पर चांटा मारा, उन्होंने कहा कि तीन चार बारी वो केजरीवाल के पीए ने उन पर चांटा मारा, ये तो अपराध है। ये एनसीडब्ल्यू कहते हैं कि महिले के बारे में हम ये नहीं सोचते, केजरीवाल तो सोच नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने केस क्यों नहीं उठाया?
और केजरीवाल जी जो सब सब जगह जाके बात करते हैं कि ये महिला क्या रक्षण करते हैं, महिला का हक का मर्यादी करते हैं, लेकिन उनके पीए ने इतनी अहंकार के साथ और इतनी घमंड के साथ अब भी वो वहीं पे बैठा है और उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और केजरीवाल ने भी आगे आके कुछ बोला भी नहीं कि वो उन पर कुछ एक्शन लेंगे। एमपी हैं वो स्वाति महिवाल, नेशनल कमीशन की चेयर रही हैं और अभी वो एमपी भी हैं, उनके ऊपर हाथ उठा के वो अभी वो पीए अंदर काम कर रहा है, तो सोचो उसकी घमंड इतनी है कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई केस नहीं चलाएगा और वो ऐसे ही बैठा रहेगा, वो नहीं जी। बिल्कुल अभिनंदा जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सीधे तौर पर रुक करेंगे हमारे साथ इस वक्त, आपको बता दें कि अलका लांबा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। अलका जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, कभी न कभी आप भी आम आदमी पार्टी की रह चुकी हैं, आप भी कभी कभी उससे जुड़ी हुई थी कभी न कभी। फिलहाल जो स्वाति मालीवाल के साथ ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, और कई तरीके की देखिए इस पे सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं लोग स्वाति मालीवाल के चुप्पी पर भी कह रहे थे कि आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं, और कल जो बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ मिलकर, संजय सिंह के साथ वो मिलकर बैठे हुए थे, उस पर भी स्वाति मालीवाल के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि एक्शन लिया जाएगा, एक्शन भी दूर की बात है, कहां वो उस शख्स को अपने साथ लिए घूम फिर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? ठीक है, आप एक महिला हैं, मैं एक महिला हूं, बात भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात साक्षी स्वाति की भी नहीं है, है ना। ये देश में महिलाओं की सुरक्षा की सबसे बड़ा सवाल है। जहां तक आप स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं, बहुत सशक्त महिला है, वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, राज्यसभा सांसद है, है ना। मुझे लगता है वो अपनी इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ने की हिम्मत रखती है, लड़ेंगी जीतेंगी। बात ये नहीं है कि कौन कार्रवाई करेगा नहीं करेगा, मामला पूरा कानून के हाथ में चला गया है, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कानूनी तौर पर स्वाति को या अन्य बेटियां भी जो न्याय मांग रही है, स्वाति को तो न्याय मिल जाएगा, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साक्षी मलिक, बिल्किस बानो, हमारी मणिपुर की आदिवासी बेटियां, प्रज्वल रेवन्ना ने 1000 बेटियों के साथ बलात्कार किया। चलिए अलका जी आप विषय से भटकिए मत, आपसे जिस पर सवाल पूछा गया मैं चाहूंगी कि आप फिलहाल उस पर जवाब दें, ठीक है। बीइंग अ पॉलिटिशियन, अगर जो इतनी अलका लांबा जी इस वक्त हमारे साथ बता दें कि संपर्क उनसे हमारा टूट गया है, बहरहाल जो मुद्दा है खासतौर पर स्वाति मालीवाल और इसी पर कि जब ऐसी शख्सियत जो है वो भी सीएम आवास के भीतर उनके साथ मारपीट की घटना होती है और 4 दिन के बाद वो चुप्पी तोड़ती हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, तो सवाल तो उठेगा ही कि जब इतनी दिग्गज शख्सियत के साथ कुछ भी हो सकता है तो दिल्ली जैसे शहर में आम महिलाओं की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा।